बसमरिम अल्लाम क्लास टेंथ वेलकम टू द क्लास बायोलॉजी के नाइन चैप्टर्स आपने क्लास नाइन्थ में पढ़े और आज जो है वो हम टेंथ चैप्टर इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे गैशियस एक्सचेंज एक्सचेंज गैशियस एक्सचेंज आर लिविंग ऑर्गेनिज़म नीड गैशियस एक्सचेंज बिकॉज आर लिविंग आर्गेज़म नीड ऑक्सीजन एंड दे हैव टू गेट रेड ऑफ़ कार्बन डाइऑक्साइड usually there are two terms which are used for the gaseous exchange cellular respiration and breathing but they are not synonym they are different the term breathing is used for the process through which animals take air in their bodies to, to get oxygen from it and then give out of the air to get rid of carbon dioxide and cellular respiration is the process in which carbon hydrogen bonds in food are broken by oxidation reduction reactions and the energy is transformed into ATP. And uh, in the plants, we use term gaseous exchange, taking in of oxygen and giving out of carbon dioxide is termed as gaseous exchange. So, cellular respiration and breathing are two different terms. Uh, now we will study. Uh, now we will study the gaseous exchange in plants. <clears throat> The leaves and young stems have stomata in their epidermis and the gaseous exchange occurs through the stomata. The cuticle, the cuticle is also involved in gaseous exchange. Some of uh, gaseous exchange takes place through cuticle. You know that cuticle is a waxy layer on the stem, young stems and uh, leaves. In woody stems and mature roots, the entire surface is covered by bark which is impervious to the gases or water. So, there are certain pores in the layer of bark, these are called lenticels. The lenticels allow air to pass through them. So, in the young stem and uh, leaves, gaseous exchange takes, pl takes place through stomata, while in the woody stems and mature roots, it takes place through lenticels. Gaseous diffu diffuse in and out of the general surface of young roots. द गैसेज आर फाउंड इन दॉयल सराउंडिंग द रूट सिमिलरली इन द एक्टिक्लाट्स एक्वेटिक प्लाट्स गेट द ऑक्सीजन डिजॉल्ड इन वाटर एंटी डीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द वाटर प्लाट्स के अंदर डे और नाइट जो गैश एक्सचेंज है उसमें भी थोड़ा डिफरेंस होता है टू सिचुएशंस होती हैं ड्यूरिंग द डे टाइम वैन द मीजोफेल सेल्स ऑफ द लीवस आर कैरियंग आउट फोटोसेंसेज एंडड बाई साइड द ऑक्सीजन प्रोड्यूसड इन फोटोसेंसिस इज यूटिलाइज इन सेलुलर स्परेशन सिमिलरली द कार्बन डाईऑक्साइड प्रोड्यूस जूरिंग द सेल्यूलर स्परेशन इज यूटिलाइज इन फोटोसेंसेिस हावअ ज्यूरिंग द नाइट वैन देर इज नो फोटोसेंसेज अक्रिंग द लीव सेल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड रिड्यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू दस्टोमैटा कि दिन को तो का ऑक्सीजन जो सेल्युलर स्परेश में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही होती है वो यूज़ हो जाती है फ़ोटोसेंसिस में और जो फोटोसेंसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है वो रिस्पायरेशन में इस्तेमाल हो जाती है लेकिन रात को ऐसा नहीं है रात को फोटोसेंसिस नहीं हो रही होती और सिर्फ जो है वो ब्रीदिंग गैशस एक्सचेंज हो रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही होती है इसलिए रात को कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के नीचे कमुलेट होना शुरू हो जाती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ हैवियर दैन एयर और रात को दरख्तों के नीचे सोने से मना किया जाता है पहले ज़माने में कहते थे कि कोई जिन भूत चिमट गया है हालांकि ऐसा नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड एकमुलेट हो जाती है और जब कोई द्रख के नीचे रात को सोएगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर जो है वो चली जाएगी और ये एक पॉइजनस गैस है और उससे फिर जो है वो बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा तो ये जो है वो प्लांट्स में गैशियस एक्सचेंज अब हम पढ़ेंगे गैश एक्सचेंज इन ह्यूमंस और एंड अदर एनिमल्स गैशियस एक्सचेंज ह्यूमन में या ब्रीदिंग जो है वो उसमें टू पार्ट्स हम पढ़ेंगे एक तो एयर पैसेज पैसेजवेज और दूसरा लंग्स के बारे में डिटेल पढ़ेंगे एयर पैसेजवेज जैसे नाम से ही जा रहा है कि जब हम ब्रीदिंग में हवा अंदर लेते हैं तो किस किस रास्ते से गुजरती है सबसे पहले एक्सटर्नल लास्टल्स है फिर नेजल कैविटी में जाती है हवा नेजल कैविटी में आपको पता है म्यूकसर हेयर होते हैं हेयर जो है वो स्टॉप करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को अंदर नहीं जाने देते इसी तरह म्यूकस जो है वो उसको वो भी फिल्टर करता है डस्ट पार्टिकल्स को और जम्स वगैरह को और इसके अलावा म्यूकस जो है वो वार्म करता है मॉइस्ट करता है एयर को जो कि गुजर रही होती है नेजल कैविटी के बाद जो है वो फेरिंग्स में एयर चली जाती है टू इंटरनल नोस्टल्स के ज़रिए फेरिंग्स जो एक मस्कुलर ट्यूब है जो कॉमन टू बोथ एयर ट्यूब और फूड ट्यूब है फूड फूड पाइप या एयर वेंट पाइप जो है वो आपको पता है फूड जो है वो पाइप खुराक की नाली को कहते हैं और वेंट पाइप जो है वो सांस की नाली को ये दोनों जो है वो साथ साथ रन करती हैं तो मस्कुलर जो फेरिंग्स है वो दोनों को कामन है मस्कुलर फेरिंग्स से फिर जो है वो हवा जो एयर है वो कहाँ चली जाएगी लैरिंग्स में और किसके ज़रिए से एक पर्चर के ज़रिए जिसे कहते हैं ग्लॉटिस ग्लाटिस के ऊपर भी एक जो है वो टू फ्लैप्स फ्लैप ऑफ टिश्यू होता है जो कि एपिग्लॉटिस कहलाता है और एपिग्लॉटिस का असल में पर्पज़ क्या है कि जब स्वेलो कर रहे होते हैं हम खाना खा रहे होते हैं उस वक्त पार्टली क्लोज कर देता है एयर ट्यूब को ताकि कोई भी खुराक का ज़रा हमारी सांस की नाली में ना जा सके तो इसका एक प्रोटेक्टिव जो है वो रोल है फिर फर्स्ट पार्ट जो है वो एयर ट्यूब का उसको वो कार्टिलेजनस होता है कार्टिलेज से बना होता है और उसमें उसको हम लैरिंग्स कहते हैं लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें टू पेयर्स ऑफ फाइब्रस बैंड्स कार्ड वोकल कार्ड्स आर अक्रॉस द लैरिंग्स द वोकल कार्ड वाइब्रेट वन द एयर पासिस थ्रू दैम द वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड साउंड की प्रोडक्शन की वजह से इनको इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं फिर जो है वो लैरिक्स लीड करता है ट्रैकिया में जिसको आप विंड पाइप भी कहते हैं सांस की नाली कहते हैं ये जो पाइप है इसमें यूजुअली इसकी एवरेज जो इसकी लेंथ है वो ट्वेल्व सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ये और इसके अलावा ये सोफेगस जो खुराक की नाली उसके फ्रंट पे रन करता है और इसमें सी शेप कार्टिलेज आर्टिलेजनस रिंग्स होती हैं जिसको ओपन रखती है कुलैप्स होने से बचाती हैं जब ये विंड पाइप या ट्रैकिया रन करके चेस्ट के चेस्ट कैविटी में जाता है चेस्ट कैविटी में एंटर होता है तो ये ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है टू ट्यूब्स में उनको ब्रोकाए कहते हैं सिंगल को ब्रोकस कहते हैं हर साइड वाली ब्रोकर्स जो अपने साइड वाले लंग्स में एंटर हो जाती है और जब ब्रोक लंग में एंटर होती है तो वो डिवाइड करती है डिवाइड करके छोटी चोट छोटी और ब्रांचेस बनाती है जिनको ब्रोंकिल्स कहते हैं फिर ब्रोंकी्योल्स आगे और फाइनल ब्रांचेस बनाते हैं जिनको एल्वियोलर डक्ट्स कहते हैं तो हर एक एल्वियोलर डक्ट जो है वो एक ग्रुप ऑफ सेक्स में एंटर होती है बंच जिस तरह ग्रैप का होता है इसी तरह बिल्कुल ये बाहर से नज़र आते हैं एलवियोलाई पाउचेस होते हैं लंग्स दरअसल एल्वियोलाइस स्किन जो है वो क्लस्टर से बना हुआ होता है और ये दरअसल रिस्पायरेटरी सरफेस है लंग की तो हर एलवियोलस जो है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है इट इज़ लाइंड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स इट इज़ बाउंड ऑन द आउटसाइड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज कैपिलरीज जो है वो ब्लड की स्मॉलेस्ट और थिनेस्ट जो है वो ब्रांचेस हैं वो सराउंड करती हैं लंग्स के एलवियोलाई को और यहाँ गैश एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन द ब्लड

जो है बनाएँ और मैं कुछ में आपको फाइव क्वेश्चंस कम अज़ कम जो है वो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उससे पहले आप उसके आंसर्स क्वेश्चंस और आंसर्स मुझे इनबॉक्स करेंगे और वो शामिल होंगे फिफ्टीन मार्क्स के होंगे और आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम के रिजल्ट में शामिल होंगे तो अभी जो ये जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ कि ये क्वेश्चन अक्सर आ भी जाता है एग्ज़ाम में भी कि डिफ्रेंश बिटवीन ब्रीदिंग एंड सेलुलर इंस्पायरेशन तो दोनों को आप जो है वो डिफ़ाइन और लिखेंगे फिर यह है कि वट आर द दट आर स्टोमेटा एंड लेंटी सेल्स आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं हाउ गैशियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन वुडी स्टेम्स एंड रूट्स एंड यंग स्टेम्स एंड लीव्स फिर यह भी आ सकता है कि वट इज़ डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट गैश एक्सचेंज इन प्लांट्स उसके बाद जो है वो वट इज़ द रोल ऑफ नेजल कैविटी इन द रिस्पायरे ब्रीदिंग ठीक है नेजल कैफ्टी का आप फिर बताएंगे कि हेयर होते हैं और म्यूकस होता है और किस तरह वो फिल्टर करते हैं पार्टिकल्स को मॉइस्ट करते हैं और एयर को और वार्म करते हैं फिर ये व्हाट इज़ द रोल ऑफ एपिकलोटिस इसी तरह एक लैरिंग्स पे अक्सर ये क्वेश्चन आता है लैरिंग व्हाट इज़ लैरिंग्स व्हाट इज या इज़ वॉइस बॉक्स व्हाट डू यू नो अबाउट द लैरिंग्स शार्ट नोट्स ये आपके पेज नंबर सिक्स पे जो है वो फाइव फोर या फाइव लाइंस का एक उस पर लिखा हुआ है वो आप याद भी करेंगे इसके अलावा नेक्स्ट जो है एल्वियो लाई का बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द एलवियल वट आर द एलवियोलाई और व्हाट इज़ द रिस्पायरेटरी सरफेस इन द लंग्स तो आप फिर एल्वियोलाई का थोड़ा सा स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन लिखेंगे कि स्ट्रक्चर इसका जो है वो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है सिंगल लेयर लेयर एपिथेलियल सेल सराउंड करती है फिर ये एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज सराउंड करता है इसको और फिर गैशियस एक्सचेंज किस तरह से होता है तो ये इसको आप जो है वो इस तरह के कम अज़ कम फाइव क्वेश्चन आप बना